आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चॉकलेट ब्राउनी कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी ग्लूकोज बिस्किट। यहाँ पर मैंने दो पैक लिया है, एक पैक में 12 बिस्कुट हैं, 100 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड, 1 से 2 चम्मच पाउडर शुगर, 1/2 कप मिल्क, अखरोट जिन्हें कि मैंने रोस्ट कर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर मैंने कैनोला ऑयल लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, कोका पाउडर 1 टीस्पून और अखरोट पाउडर। अखरोट को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लेंगे जिससे कि उसका पाउडर बन जाएगा, और गार्निशिंग के लिए चॉकलेट सॉस। सबसे पहले हम लोग इन बिस्कुट को पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं। इसके लिए बिस्कुट को हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और उसके टुकड़े कर देंगे जिससे कि पीसने में आसानी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिस्किट्स का अच्छा पाउडर बन गया है। अब हम लोग एक बोल लेंगे और उसमें इस बिस्किट के पाउडर को डालेंगे। अब इसमें करीब 1.5 चम्मच पाउडर शुगर ऐड करेंगे क्योंकि बिस्किट भी मीठे हैं और अभी हम लोग डार्क चॉकलेट डालेंगे, वो भी मीठी होगी, तो इसके लिए हम ज़्यादा शुगर यूज नहीं करेंगे। अब इसमें अखरोट पाउडर, यहाँ पर अखरोट पाउडर मैंने करीब 2 टेबलस्पून लिया है, 1 टीस्पून कोका पाउडर। अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर वनीला एसेंस भी यूज करेंगे 5 से 6 बूंद या 1 टीस्पून। अब हम इसमें अपनी मेल्टेड चॉकलेट को डालेंगे। मैंने चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया था, आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें नॉर्मल केक बैटर से थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है, लाइक पकोड़ा कढ़ी की तरह, क्योंकि हम माइक्रोवेव में इसे बेक करने वाले हैं। ओवन के लिए तो हमें थोड़ा और गाढ़ा बैटर चाहिए होता है, लेकिन माइक्रोवेव के लिए हमको थोड़ा पतला बैटर चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और उस पे बटर पेपर लगा दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें कुछ अखरोट डालेंगे और कुछ अखरोट को ऊपर से डालेंगे। एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इस बैटर को हम अपने बेकिंग डिश में डालेंगे। और ऊपर से थोड़ा अखरोट डालेंगे।
माइक्रोवेव को मैंने थोड़ा प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इस बेकिंग डिश को माइक्रोवेव में रखेंगे 3 मिनट के लिए। सेट किया और फिर माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा केक पका है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक तीली डाली और ये साफ निकल रहा है, बस हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ रहा है। तो मैं इसे 20 सेकेंड के लिए बस और लगाऊंगी। टोटल मैंने 3 मिनट और 20 सेकेंड लगाए हैं। अब देखिए, बिल्कुल क्लीन हमारी स्टिक निकल रही है, तो यानी हमारा जो ब्राउनी है वो पक चुका है। अब हम लोग किनारे से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। और अब ब्राउनी को बेकिंग डिश से निकाल लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे। वाटर पेपर की वजह से ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। लीजिए, हमारी झटपट ब्राउनी बन चुकी है। अब इसको मनचाहे टुकड़ों में आप काट ले। आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें, या इसे थोड़ा ठंडा होने पर भी सर्व कर सकते हैं आइसक्रीम या चॉकलेट सॉस के साथ। मेरे घर में सबको गर्म ही पसंद है, इसलिए मैं तुरंत ही सर्व करने जा रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा करके सर्व करेंगे तो ये और भी अच्छे से, आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। ब्राउनीज को सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। और अब हम ऊपर से थोड़ा से चॉकलेट सॉस के साथ गार्निश करेंगे। लीजिए, हमारी यम्मी ब्राउनी बनकर तैयार है, वो भी झटपट। Thank you.